भारतीय जनता पार्टी ने रविवार की देर रात अपने 46 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इस सूची में बसपा छोड़ भाजपा में शामिल होने वाली विधायक वंदना सिंह को पार्टी ने सगड़ी विधानसभा से टिकट दिया है। वंदना सिंह को जैसे ही भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया, वैसे ही भाजपा कार्यकर्ता व समर्थक खुशी से झूम उठे। कार्यकर्ता फेसबुक के साथ ही साथ मोबाइल पर रात्रि में एक दूसरे को जहां बधाई दे रहे थे, वहीं सोमवार की सुबह समर्थक आजमगढ़ जिले के जियनपुर बाजार स्थित उनके आवास पर पहुंचे और विधायक वंदना सिंह व संतोष सिंह टीपू को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए वंदना सिंह ने सभी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि सगड़ी की जनता ने हमेशा से हमें आशीर्वाद दिया है, इस बार भी हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। सगड़ी में इस बार कमल का फूल खिलेगा। और क्या कुछ कहा विधायक वंदना सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। मुद्दा एक ही और एक रहता है, हमारे परिवार का, सगड़ी का विकास और सगड़ी के लोगों का सम्मान। तो ये पहले से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। यहाँ की जनता सब क्या कहना चाहती है? यहाँ की जनता बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है और मेरी पूरी सगड़ी की जनता की तरफ से, पूरे जिले की तरफ से, मेरी तरफ से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी बधाई। देखिए, मुझे तो कुछ ऐसा पता ही नहीं था, महाराज जी का आशीर्वाद मुझे मिला और उन्होंने पार्टी ज्वाइन करवाया और जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन किया उसी दिन मुझे पता चल गया था कि मुझे सगड़ी से चुनाव लड़ना है।